विरह में सेवा, सेवा ही संन्यास का सार। एक बार श्री प्रभुपाद ने गुरु महाराज को उनके ब्रह्मचारी अवस्था में संन्यास ग्रहण करने हेतु कहा। गुरु महाराज ने श्री प्रभुपाद से पूछा, संन्यास ग्रहण करने के उपरांत क्या करना पड़ेगा? श्री प्रभुपाद ने कहा, जो सेवा कार्य आप अभी कर रहे हैं वही सेवा कार्य ही करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो मेरे सेवा कार्य के लिए तो ब्रह्मचारी वेश ही अधिक अनुकूल है। कारण जब मैं भिक्षा इत्यादि करने के लिए जाता हूँ तो छोटे छोटे ब्रह्मचारी बालकों को अपने से ऊपर वाले आसन पर बिठाकर सेवा हेतु भिक्षा देने वाले व्यक्तियों से कहता हूँ, इन बालकों को साधारण व्यक्ति नहीं समझना, यह मेरे भी सेव्य हैं, अतएव इनकी सेवा के अवसर का सुयोग प्राप्त करके आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, इस अवसर का संपूर्ण लाभ उठाइए। ऐसा कहकर मैं हरि गुरु वैष्णव सेवा के लिए अधिक अर्थ संग्रह कर पाता हूँ। यदि मैं संन्यास ग्रहण कर लूँगा तो फिर यह बालक जो कि अभी भी मुझसे ऊपर वाले आसन पर बैठकर संकोच का अनुभव करते हैं, मेरे संन्यास के पश्चात तो कदापि ऊपर वाले आसन पर नहीं बैठेंगे और उससे मेरी सेवा में बाधा आएगी। अतएव सेवा कार्य को ही सबसे अधिक गुरुत्व प्रदान करने वाले आपके आदर्श चरित्र का अनुसरण करने का अभिलाषी मैं आपसे मुझे संन्यास नहीं प्रदान करने के लिए ही प्रार्थना करता हूँ। गुरु महाराज के मुख से ऐसा सुनकर श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप प्रकृत त्रिदंडी सन्यासी हैं, केवल वेश से ही कोई सन्यास नहीं होता, उसकी सेवा प्रवृत्ति ही उसे छोटा बड़ा बनाती है। ब्रह्मचारी के वेश में होने पर भी कोई गृहस्थ, कोई वानप्रस्थी, कोई सन्यासी तथा सन्यासी के वेश में होने पर भी कोई अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी आदि हो सकता है। जय भजे सही बड़ो अभक्त हीन चार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। चैतन्य चैतामृत अंत्यलीला 4:67। वास्तव में जो कृष्ण का भजन करता है वही बड़ा है, अभक्त तो हीन है, घृणित है। कृष्ण भजन में जाति तथा कुल आदि का कोई विचार ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला के पश्चात जब मठ में असुविधाएं हुई तब गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद के आचार विचार, उनकी धारा तथा उनके द्वारा स्थापित मठ मंदिरों, शिविग्रों की सेवा एवं श्रील प्रभुपाद के वैभव, उनके आश्रयजनों के श्री चरण कमलों की जो प्राण पर सेवा की, वे भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण, श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज आदि गुरु भ्राताओं ने गुरु महाराज को पुनः पुनः बलपूर्वक कहा, श्रील प्रभुपाद का इतना बड़ा मिशन है और वे हम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं पूर्ण करने हेतु रख कर गए हैं। आपके जैसे सुयोग्य व्यक्ति यदि संन्यास ग्रहण करके गुरुत्वपूर्ण सेवाओं का दायित्व ग्रहण नहीं करेंगे तो भविष्य में सेवाएं कैसे पूर्ण होंगी? अपने गुरु भ्राताओं की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए गुरु महाराज ने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज से श्री जगन्नाथपुरी धाम स्थित श्री टोटा गोपीनाथ मंदिर में गुरुवार 9 मार्च 1944 श्री गौर पूर्णिमा तिथि को वैष्णव विधि अनुसार त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया तथा तभी से वे श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज के नाम से परिचित हुए। शिष्य स्वीकार कर श्रील प्रभुपाद की सेवा। गुरु महाराज में पहले शिष्य ग्रहण करने के लिए लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी। वे अपने आचरण के माध्यम से अनेक लोगों को भक्ति के मार्ग पर लेकर आए। श्रील प्रभुपाद के प्रकट काल में तो अनेक भक्तों को उन्होंने प्रभुपाद के श्री चरणों में समर्पित किया ही था। श्रील प्रभुपाद की अप्रकट लीला के पश्चात उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर श्री सोरेन मिश्र के पिता श्री जतिन मिश्र, श्री अपूर्व पाल, श्री भट्ट कृष्ण पाल तथा उनके भाई आदि अत्यधिक सम्मान्य तीनों भाइयों को तथा श्री गोवर्धन पीढ़ी नामक सर्वदा मदिरा पान करके मत रहने वाले
अपने घर के सामने ही एक वेश्या को रखने वाले रत्नाकर अथवा जगाई मदाई आदि की भांति सब प्रकार के पापमय कार्यों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को भी श्री प्रभुपाद की धारा में निष्णाद करके उन्हें अपने गुरु भ्राता शिल भक्ति विचार यावर गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय करवाया था। श्री श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के चरण आश्रित श्री अकिंचन महाराज, श्री अवधूत महाराज, श्री श्रोति महाराज, श्री पशुपति नाथ आदि अनेक अनेक निष्ठावान भक्तों को गुरु महाराज ने ही उनके श्री चरणों में समर्पित करवाया था। बाद में अपने अनेक गुरु भ्रातों के पुनः पुनः अनुरोध करने पर, विशेषकर श्री कृष्ण केशव प्रभु के ये कहने पर, आप श्री प्रभुपाद की सेवा के उद्देश्य से यदि शिष्य स्वीकार करेंगे तभी श्री प्रभुपाद की विचारधारा का संरक्षण संभव पर होगा। मैं असम में प्रचार करके अनेक भक्तों को आपकी श्री प्रभुपाद की सेवा करने में सहायता करने हेतु आपका शिष्य बना दूंगा। ही गुरु महाराज ने शिष्य ग्रहण करना स्वीकार किया। श्री कृष्ण केशव प्रभु के उद्यम से ही असम के अनेक भक्तों ने सर्वप्रथम गुरु महाराज का चरण आश्रय किया। जिस समय गौड़ीय मठों का दो भाग में विभाजन हुआ उस समय श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु की ओर से गुरु महाराज ने ही श्री चैतन्य मठ का आधिपत्य लिया। उस समय विपक्ष के श्री जगमोहन प्रभु ने गुरु महाराज के हाथ में कुंजी देते समय कहा था, आपके अतिरिक्त यदि अन्य कोई आता तो हम उसे गोली से ही उड़ा देते। गुरु महाराज ने अपने गुरुपाद पद्म श्री प्रभुपाद के द्वारा स्थापित मठों के सुष्ठ संचालन हेतु जो सब प्रयास किया उसका शब्दों के माध्यम से वर्णन कर पाना असंभव है। तिनादपि सुनिचेन तरोरेव सहसुना। गुरु महाराज ने श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु की ओर से श्री चैतन्य मठ का अधिकार ग्रहण किया था। कुछ वर्षों के पश्चात श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु ने अपनी नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद श्री प्रभुपाद के आश्रित श्री भक्ति विज्ञान आश्रम गोस्वामी महाराज से संन्यास ग्रहण किया तथा श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज के नाम से विख्यात हुए। श्री चैतन्य मठ में रहकर श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज ने भी अपने शिष्य ग्रहण करना प्रारंभ किया, किंतु तब भी उनके पास बहुत कम लोग ही जाते। प्राय समस्त लोग गुरु महाराज से ही दीक्षा लेने के लिए उत्साहित रहते। इसी कारण उन्होंने अपने कुछ परामर्शदाताओं के परामर्श से गुरु महाराज से कहा, मैं श्री चैतन्य मठ में दीक्षा दूंगा, इसलिए आप श्रीमन महाप्रभु की आविर्भाव स्थली योगपीठ में दीक्षा देंगे तो अच्छा होगा। गुरु महाराज प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गए और कहा, जैसा आप कहेंगे उसमें क्या है। गुरु महाराज जब योगपीठ में दीक्षा देने लगे तब सभी लोग स्वतः वहीं जाने लगे। ऐसा देखकर श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज ने गुरु महाराज से कहा, आप यदि शिवा संगम में दीक्षा दें तो अच्छा होगा। गुरु महाराज सरलतापूर्वक मान गए तथा कहा, ठीक है। तब गुरु महाराज शिवा संगम में दीक्षा देने लगे तब सभी लोग वहीं जाने लगे। ऐसा देखकर उन्हें क्रमशः श्री मुरारी गुप्त के श्री पाठ में, श्री रुद्रदीप आदि में दीक्षा देने के विषय में कहने पर भी उन्होंने कभी प्रतिवाद करने की तो क्या बात, मन में भी लेश मात्र असुविधा बोध नहीं की। श्रीमन महाप्रभु की मुख निसृत वाणी, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहसुना, अमानिना मानदेन कीर्तन्यः सदा हरिः। संपूर्ण विशुद्ध रूप से उनके पवित्र जीवन चरित्र, निजी आचरण और व्यवहार में प्रतिफलित हुई। एक बार श्री चैतन्य मठ में किसी समारोह के अवसर पर गवर्नर वहां आए तथा उन्हें मंच पर आसीन सभी सन्यासियों का परिचय प्रदान किया गया। उन्हें मठ के अध्यक्ष श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज से भी मिलाया गया, किंतु तब भी वे गुरु महाराज के महापुरुष उचित समस्त लक्षणों से युक्त दिव्य कलेवर को देखकर उन्हें ही गुरुजी गुरुजी कहकर संबोधन करने लगे। इस घटना के उपरांत श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज के एक विशेष परामर्शदाता ने उनसे कहा, माधव महाराज के व्यक्तित्व के समक्ष आपका व्यक्तित्व चलेगा नहीं,
उनके श्री चैतन्य मठ में रहने पर आपकी महिमा होगी नहीं। आपको इस विषय में कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। सभी को प्रत्येक परिस्थिति में श्री प्रभुपाद की सेवा हेतु प्रोत्साहित करना। गुरु महाराज के चरण आश्रित श्री लोकनाथ प्रभु, श्री भक्ति सुरित दामोदर महाराज, श्री प्रभुपाद के समाधि मंदिर, श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के समाधि मंदिर तथा श्री चैतन्य मठ में सेवित श्री विग्रहों की अर्थात एक साथ तीन स्थानों की सेवा करते थे श्री भगवान दास, श्री भक्ति निकेतन तुरे आश्रमी महाराज शिवास अंगन में पुजारी थे तथा गुरु महाराज के अन्य अन्य शिष्य श्री चैतन्य मठ और उसकी शाखा प्रशाखाओं में भी अनेक सेवाएं करते थे। यद्यपि गुरु महाराज अपने समस्त आश्रितों को श्री प्रभुपाद के स्थानों की सेवा में अत्यधिक उत्साहित करते थे तथा जो भी भिक्षा संग्रह करते थे अथवा होती थी सब लाकर श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के हाथों में देते थे। तथापि एक के पश्चात एक अनेक कारणों से गुरु महाराज के नवाबगंज में प्रचार के समय श्री चैतन्य मठ के एक विशिष्ट व्यक्ति श्री गुरुदास बाबा जी महाराज ने अन्य कुछ एक विशेष व्यक्तियों के इंगित से षड्यंत्र करके कौशल पूर्वक गुरु महाराज के शिष्यों को उनकी सब वस्तुओं सहित सदा के लिए श्री चैतन्य मठ से विदाई दे दी। ये सब कुछ जानकर भी गुरु महाराज कभी दुखी नहीं हुए। निरुत्साहित होने के स्थान पर अत्यधिक उत्साहपूर्वक श्री प्रभुपाद की मनोभीष्ट सेवा करने में नियुक्त हुए। मठ का अर्थ आदर्श है, ना कि ईंट और गारा। इसी विचार को संपूर्ण रूप से हृदय में धारण करके बिना किसी से कुछ कहे वे बिना किसी की ही निंदा किए निम्नलिखित श्लोकों का अनुसरण करते। अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादन साधने अविकल्प मतिर भूत्वा हरिम एव धिया स्मरेत। पद्म पुराण। हरि भक्ति परायण व्यक्ति को भोजन और वस्त्र संग्रह के लिए चेष्टा करने पर भी यदि वह प्राप्त ना हो अथवा उपलब्ध सामग्री नष्ट हो जाए तो भी व्याकुल चित्त ना होकर मन में श्री हरि का ही स्मरण करना चाहिए। तत्यनुकंपाम सुस्मिक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदय वाक वपुवि विद्यधम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। श्रीमद् भागवतम 10:14-8। श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, जो अपने किए कर्मों के फल को आपकी ही कृपा मानता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग करते हुए काय वाक्य और मन के द्वारा स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करते हुए जीवन धारण करता है वही मुक्ति के आश्रय स्वरूप आपके इन चरण कमलों को प्राप्त करने का अधिकारी है। बाद में गुरु महाराज ने सर्वप्रथम कोलकाता में किराए के घर में अपने कुछ एक गुरु भ्राताओं तथा आश्रयजनों के साथ वास किया तथा वहीं से सर्वत्र प्रचार करने लगे। गौड़ीय मठ के विभाजन पर एक परम उत्कृष्ट दृष्टिकोण। गुरु महाराज प्राय गौड़ीय मठ के विभाजन पर अपना एक परम उत्कृष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करते थे। मेरे गुरु भ्राता श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज द्वारा रचित गुरु महाराज की जीवनी पावन जीवन चरित्र में गुरु महाराज के इस विषय में विचारों को ग्रंथकार के शब्दों में इस प्रकार से लिखा गया है। 23 दिसंबर 1936 को पुरुषोत्तम धाम से बाग बाजार स्थित श्री गौड़ीय मठ में लौटने से पूर्व व नित्य लीला में प्रवेश करने से पहले श्री प्रभुपाद जी ने वहां पर उपस्थित भक्तों को प्रातः काल के समय अंतिम उपदेश दिया जिसमें उन्होंने अपने आशीष शिष्यों को निर्देश दिया। सभी श्री रूप रघुनाथ की कथा का परम उत्साह के साथ प्रचार करें। श्री रूपनों का गणों के चरण कमलों की धूली बनना ही हमारी चरम आकांक्षा है। आप सभी अद्वैत तत्व की अपराकृत इंद्रियों की तृप्ति करने के उद्देश्य से आशय विग्रह श्री गुरु के अनुगत में परस्पर मिलजुल कर रहना। आप सभी एक ही उद्देश्य से एक साथ मिलकर मूल आशय विग्रह राधा जी की सेवा करें।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद ने अपने आशीष शिष्यों को आश्य विग्रह गुरुपाद पद्म के अनुगत में रहते हुए एक ही उद्देश्य से एक साथ रहकर रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार करने का उत्साह प्रदान किया था। श्री प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद जो लीला घटित हुई उसे देखकर अनर्थ युक्त अदूर दृष्टि संपन्न व्यक्तियों में यह भावना आ सकती है कि इन घटनाओं से श्री प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ है, परंतु मंगलमय श्री हरि की इच्छा से जो होता है मंगल के लिए होता है। परमार्थिक जीवन का यह मूल विषय ध्यान में न रहने के कारण हम दुखी होते हैं। श्री भगवान की इच्छा न होने से कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी ओर भगवान मंगलमय हैं, अतः उनकी इच्छा से जो भी होता है उसमें मंगल अवश्य ही निहित होता है। किसी भी विराट उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान की इच्छा से एक के बाद एक जो घटनाएं होती हैं, बहुत से अदूर दृष्टि वाले व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाते। पृथ्वी पर्यंत जत आछे देश ग्राम, सर्वत्र संचार हैबे को मोर नाम। श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड 4:126। पृथ्वी पर जितने भी देश और ग्राम हैं, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। श्रीमन महाप्रभु की उपरोक्त वाणी की सत्यता को दिखाने के लिए श्रीमन महाप्रभु की अभिन्न प्रकाश मूर्ति श्रील प्रभुपाद की इच्छा से ही ऐसा हुआ, अर्थात श्रील प्रभुपाद ने सारी पृथ्वी में महाप्रभु की वाणी का प्रचार कराने के लिए अपनी कृपा शक्ति संचारित की तथा दिग्विजय शिष्यों को अलग अलग रहकर प्रचार करने की प्रेरणा प्रदान की। श्रील प्रभुपाद ने जगत का मंगल करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया। वे आचार्य शक्ति संपन्न अपने शिष्यों को एक ही स्थान में अबद्ध रखकर उनकी योग्यता को एवं प्रचार की व्यापकता को संकुचित नहीं करना चाहते थे। आज श्री प्रभुपाद के आश्रयजनों की अलौकिक शक्ति के प्रभाव से सारी पृथ्वी पर श्रीमन महाप्रभु की वाणी प्रचारित समादृत व गृत होने के कारण श्रीमन महाप्रभु की भविष्यवाणी सार्थक हो रही है। यदि वे प्रभुपाद जी के कृपा शक्ति संचारित शिष्य गुरु अनुगत्य रहित अनर्थ युक्त जीव होते तो उनके द्वारा इस प्रकार का व्यापक प्रचार संभव नहीं था। भगवान के वास्तविक उद्देश्य के विषय में ना जानने वाले भाग्यहीन व्यक्ति ही एक ही वंदना व एक ही निंदा करके परमार्थ पथ से गिर जाते हैं व अपराध रूपी दलदल में फंस जाते हैं। श्री प्रभुपाद के सभी पार्षदों ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनकी आज्ञा पालन करने के लिए निष्कपट यत्न किया व कर रहे हैं। उनके निष्कपट प्रचार के फलस्वरूप ही आज बहुत से सौभाग्यशाली बद्ध जीवों ने श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा के प्रति आकृष्ट होकर भक्ति सदाचार ग्रहण करते हुए शुद्ध भाव से श्री कृष्ण भजन में नियोजित होकर अपने जीवन को धन्य किया है। मिथ्या आरोपों को सहन करना। जब गुरु महाराज के शिष्यों को कुशलता पूर्वक श्री चैतन्य मठ से बाहर निकाल दिया गया तब गुरु महाराज ने सभी को कोलकाता रास बिहारी एवेन्यू में एक किराए के घर में रहने की व्यवस्था की। गुरु महाराज ने वहीं से प्रचार प्रारंभ किया और बहुत कम समय में गुरु महाराज के प्रभाव से कोलकाता, मायापुर, हैदराबाद आदि स्थानों पर मठ निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। ऐसा देख सुनकर श्री चैतन्य मठ के कुछ मत्सर लोग गुरु महाराज के विरोध में कहने लगे, ये गौड़ीय मठ के श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के बाद नंबर 2 के संग्रह करता थे। यदि पहले से बहुत अधिक धन को संग्रह करके नहीं रखा होता तो फिर इतनी शीघ्र एक के पश्चात एक मठों का निर्माण कार्य कैसे प्रारंभ होता। अतएव इन्होंने अवश्य ही मठ की संपत्ति की चोरी की है। जब गुरु महाराज के कान में ये बातें आईं, तब उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद ने अपने आचरण के माध्यम से हमें इस प्रकार की बातों पर प्रतिक्रिया करने हेतु निषेध किया है। ऐसी अवस्था में तत्त्वानुकंपा श्लोक का स्मरण करना चाहिए तथा सुसमीक्ष करनी चाहिए कि वास्तव में ऐसे लोग व्यतिरेक भाव से हमारी सहायता ही कर रहे हैं। इनके मिथ्या वचनों को सुनकर हमें कोई भी ऋण देने में संकोच नहीं करेगा।
कारण उन्हें पता है कि हमारे पास पैसे हैं। केवल उपरोक्त घटना ही नहीं, एक के पश्चात एक अनेक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने गुरु महाराज की त्रोर ईवा सहिष्णुता को अत्यधिक स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर दिया। सभी के सुखों के लिए वास्तविक चिंता। श्रील प्रभुपाद के आश्रित श्री भक्ति संबंध तुरे आश्रमी महाराज के पास गुरु महाराज प्रत्येक मास उनकी सेवा के उद्देश्य से पैसे भेजते थे। उन्होंने एक बार गुरु महाराज को जसोर बड़ दिया अर्थात पूर्व पाकिस्तान से लिखकर भेजा कि आपके द्वारा बैरागपुर तक अमुक व्यक्ति के निकट पैसे भेज देने पर मुझ तक पहुंच जाएंगे। गुरु महाराज बिना किसी को बताए मेरे माध्यम से प्रत्येक मास उनकी सेवा के उद्देश्य से पैसे भेजते थे। न जाने ऐसे कितने भक्त जन थे जिनके विषय में गुरु महाराज सदा चिंता करते हुए उनकी सेवा के उद्देश्य से कुछ न कुछ भेजते ही रहते थे। इनमें से कुछ एक भक्तों को तो मैं कभी जीवन में मिला ही नहीं और ना ही उनको कभी गुरु महाराज के पास आते हुए देखा, किंतु तब भी गुरु महाराज न जाने किस प्रकार की भावना से भावित होकर इस प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहते थे। इसका उनकी जैसी चित्तवृत्ति को प्राप्त किए बिना कुछ भी निष्कर्ष निकाल पाना, कुछ भी समझ पाना असंभव है। गुरु महाराज के प्रति उनके गुरु भ्राता की सम्मानजनक भावना। एक बार कोलकाता के सियालदा स्टेशन पर श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, श्री कृष्णदास बाबाजी महाराज, प्रभुपाद आश्रित श्री सुंदर गोपाल प्रभु, श्री अतुलानंद ब्रह्मचारी आदि के साथ उपस्थित थे। उन्होंने वहीं स्टेशन पर दूर खड़े श्री प्रभुपाद आश्रित तथा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में निवास कर रहे श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी को अपने निकट बुलाया। उन्होंने श्री कृष्ण केशव प्रभु से पूछा, केशव कैसे हो? श्री कृष्ण केशव प्रभु ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हूँ। उन्होंने फिर से पूछा, केशव कैसे हो? श्री कृष्ण केशव प्रभु ने कहा, बहुत अधिक अच्छा हूँ। ये सुनकर उन्होंने अपने साथ खड़े भक्तों से कहा, देखो प्रभुपाद के मठ को छोड़कर चला गया और फिर भी कहता है बहुत अच्छा है। उनकी इस बात को सुनकर श्री कृष्ण केशव प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, आपके साथ रहने से केवल यही सर्वदा सुनना पड़ता कि आप ही केवल भजन कर रहे हैं, अन्य कोई भी भजन नहीं कर रहा। आपके साथ रहने से सबको अवैष्णव कहना पड़ता, वैष्णव निंदा करनी सीखनी पड़ती, किंतु माधव महाराज के साथ रहने से मैं वैष्णव निंदा करने से बच गया। सभी को मानद तथा स्वयं को अमानी मानने की शिक्षा पद्धति में निष्णात हो रहा हूँ, तो फिर बहुत अच्छे से नहीं हूँ तो फिर कैसा हूँ? उनमें से किसी ने कहा, देखो श्री भक्ति विलास तीर्थ महाराज के प्रति श्री प्रभुपाद का आशीर्वाद है कि तुम्हारा प्रचुर मंगल हो। क्या माधव महाराज को श्री प्रभुपाद ने ऐसा आशीर्वाद दिया था? श्री कृष्ण केशव प्रभु ने कहा, जिसने MA पास कर ली हो क्या उसे कोई कहता है कि जाओ मैं तुम्हें MA पास होने का आशीर्वाद देता हूँ? या फिर जिसकी अभी MA नहीं हुई हो उसे ऐसा आशीर्वाद देता है? अतएव माधव महाराज के प्रति श्री प्रभुपाद ने ऐसा आशीर्वाद इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका प्रचुर मंगल पहले से ही हो चुका है। और इस विषय में आप स्वयं ही विचार कीजिए कि प्रभुपाद ने किसी को तुम्हारा प्रचुर मंगल हो ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? उन्होंने लक्ष्मी को दूर भेज दिया। गुरु महाराज को जब किसी प्रकार के कौशल से श्री चैतन्य मठ से बाहर किया गया तब श्री सखी चरण राय भक्ति विजय प्रवर्ती काल में श्री सखी चरण दास बाबाजी महाराज ने कहा था, लक्की के विदाई दिए छे, अर्थात इन लोगों ने अपने दुर्भाग्य के कारण गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के अनुकूल समस्त कार्य करने वाले, उनके लिए सबसे अधिक धन संपत्ति आदि को एकत्रित करने वाले माधव अर्थात लक्ष्मीपति को ही विदाई दे दी है। अतएव लक्ष्मीपति के बिना लक्ष्मी अर्थात धन अथवा सौभाग्य वहाँ पर कैसे रहेगा? श्री प्रभुपाद के वचनों को पूर्ण करना।
श्रील प्रभुपाद जब विग्रह प्रतिष्ठा हेतु असम सारभोग में गए तो वहां उनके दर्शनों के लिए इतनी अधिक भीड़ एकत्रित हुई मानो चींटियों का झुंड एक के पश्चात एक चलता ही जा रहा हो। साधु दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। इसी शास्त्र वचन के अनुसार सभी अपने साथ चावल दाल सब्जी आदि लेकर आए। सभी लोग जब क्रमशः श्रील प्रभुपाद के दर्शन कर रहे थे तब श्रील प्रभुपाद ने अपने समक्ष उपस्थित सेवक से पूछा, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रतीत होता है मार्ग में मठ को देखकर यहाँ भी दर्शन करते हुए जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के सेवक ने कहा, ये लोग अन्य किसी स्थान पर नहीं जा रहे अपितु आपके दर्शन हेतु ही आए हैं। इन्होंने कभी किसी त्रिदंडी सन्यासी को नहीं देखा है, अतएव आपके विषय में सुनकर ये साधु दर्शन के लिए आए हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, साधु दर्शन की इतनी उत्कंठा, साधु के प्रति इतनी श्रद्धा, मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आऊँगा, किंतु दुर्दैववश उसके कुछ समय के पश्चात ही श्रील प्रभुपाद ने अपनी अप्रकट लीला प्रकाशित की तथा पुनः कभी बाहरी रूप से वे सारभोग नहीं गए। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद द्वारा कहे हुए वचन, मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आऊँगा का स्मरण कर प्रत्येक वर्ष श्रील प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष में सारभोग जाते थे तथा कहते थे, श्रील प्रभुपाद के द्वारा कहे गए वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, वे प्रत्येक वर्ष अपने विग्रह के रूप में आविर्भूत होंगे। संपूर्ण रूप से समर्पित तथा शरणागत भक्त की श्री गुरु के वचनों एवं उनके मनोविश को स्थापित करने हेतु कैसी चित्तवृत्ति होनी चाहिए, यही गुरु महाराज के उक्त विचार से प्रकाशित हुआ है। एक फटे पुराने कंबल का गुरुत्व। गुरु महाराज अपने साथ सदैव एक कंबल लेकर यात्रा करते थे तथा वे जहाँ कहीं पर भी क्यों ना हो उसे अपने बिस्तर पर बिछाकर रखते थे। यद्यपि गुरु महाराज को स्थान स्थान पर प्रचार कार्य करते समय अनेक कंबल मिलते, तथापि वे किसी भी नए कंबल को व्यवहार नहीं करके उसी पुराने कंबल को ही व्यवहार करते। एक बार गुरु महाराज के एक सेवक ने उस कंबल को उनके बिस्तर से हटा दिया तथा उसे कहीं छिपाकर उसके स्थान पर एक नया सुंदर कंबल बिछा दिया। गुरु महाराज ने उस कंबल को नहीं देखकर अत्यधिक आवेगपूर्वक जब अपने सेवक से उसके विषय में पूछा तब सेवक ने उत्तर दिया, वह कंबल बहुत पुराना होने के कारण फटने सा लगा था, इसलिए मैंने उसकी बात संपूर्ण होने से पूर्व ही गुरु महाराज ने कहा, वह कंबल फटता है तो फट जाने दो, टुकड़े टुकड़े हो जाने दो, तब भी मैं उसे सिलकर उसी को ही अपने संपूर्ण जीवन पर्यंत व्यवहार करूँगा। मेरे परम आराध्य गुरुपाद पद्म श्रील प्रभुपाद मेरे द्वारा व्यवहृत इस कंबल के विषय में जानते हुए भी कृपा पूर्वक इस पर बैठे थे। इसके गुरुत्व को अनुभव कर पाने पर तुम कभी भी इसे हटाने का प्रयास नहीं करोगे। वस्तु का कम मूल्यवान अथवा अधिक मूल्यवान होना कोई अधिक महत्व नहीं रखता, बल्कि उसका वास्तविक मूल्य उसे देने वाले अथवा व्यवहार करके अवशिष्ट बना देने वाले व्यक्ति के गुरुत्व उनकी प्रीति पर ही निर्भर करता है। ऐसी थी गुरु महाराज की श्रील प्रभुपाद से संबंध युक्त छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति आसक्ति। इसी से सहज अनुमान लगा लेना चाहिए कि उनके श्रील प्रभुपाद तथा उनसे संबंधित अन्य अन्य वस्तुओं के प्रति कैसी आसक्ति होगी। जहाँ अन्यों की समस्त चेष्टाएं समाप्त उनकी चेष्टा प्रारंभ। श्रील भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज प्रत्येक वर्ष गौर पूर्णिमा के पश्चात अपने समस्त गुरु भ्राता को अपने स्थान श्री नवदीप धाम में कोलेरगंज स्थित श्री चैतन्य सारस्वत मठ में उत्सव का आयोजन कर निमंत्रित किया करते थे। एक वर्ष मेरे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज श्री गौर पूर्णिमा उत्सव के पश्चात श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रबंध कार्य यथा परिक्रमार्थियों को विदाई देने तथा परिक्रमा में हुए व्यय इत्यादि का हिसाब किताब करने इत्यादि में बहुत व्यस्त थे तथा इच्छा
एवं यथासंभव प्रयास करने पर भी श्री चैतन्य सारस्वत मठ नवदीप में कुछ विलंब से ही पहुंच पाए। जब गुरु महाराज वहां पहुंचे तब उन्हें देखते ही श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज ने उनसे कहा, माधव महाराज, आज आपने आने में बहुत अधिक विलंब कर दिया। हम सभी आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी इस बात को सुनकर गुरु महाराज ने कहा, महाराज, हमारे यहाँ पर श्री नवदीप धाम परिक्रमा के उद्देश्य से बहुत से यात्री आए थे, इसलिए परिक्रमा का सुचारू रूप से आयोजन करने के उद्देश्य से हमें बहुत ऋण लेना पड़ा था। आज उस ऋण के भुगतान तथा अन्य व्यवस्थाएं करते हुए ही बहुत समय चला गया, जिससे कि मठ की सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। आप सभी लोग मेरे विलंब के कारण मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज की बात सुनकर श्री भक्ति विचार यजावर गोस्वामी महाराज ने कहा, महाराज, नरम्भ नार भेद क्वचित, अर्थात अनावश्यक रूप से अपने भौतिक ऐश्वर्य को वर्धित करने का प्रयास सर्वदा निरर्थक है। इतना आडंबर करने की क्या आवश्यकता है। श्रील यजावर गोस्वामी महाराज के मुख से इस बात को सुनकर श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने कहा, माधव महाराज, श्री यजावर महाराज की बात का उत्तर मैं दूंगा। गुरु महाराज ने कहा, महाराज, जैसी आपकी इच्छा। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने कहा, हाथी के लिए जो गन्ना नसवार अर्थात सूंघने के साथ ही अंदर चले जाने वाली अर्थात एक अति तुच्छ वस्तु के समान होता है, वही गन्ना एक चींटी के लिए पहाड़ जैसा होता है। अर्थात हमारे लिए जो कार्य बहुत बड़े आडंबर के समान प्रतीत हो सकता है, वही कार्य श्रीपाद माधव महाराज के लिए बाएं हाथ का खेल है। मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। श्रील प्रभुपाद ने मुझे और श्रीपाद माधव महाराज उस समय श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी को श्री राय रमानंद और श्रीमन महाप्रभु की मिलन स्थली गोदावरी के तट पर स्थित कुबेर नामक स्थान पर कुछ स्थान संग्रह करने हेतु भेजा था। कई दिनों के अथक प्रयास के बाद मैंने उनसे कहा, हयग्रीव प्रभु, श्रील प्रभुपाद ने हमें यहाँ पर बहुत आशा के साथ श्रीमन महाप्रभु के पादपीठ हेतु स्थान संग्रह करने के उद्देश्य से भेजा है। मेरा ब्रह्मचारी नाम भी रामानंद दास था तथा यह स्थान श्रीमन महाप्रभु एवं श्री रामानंद राय जी का मिलन स्थल है। यद्यपि हमने तो जो भी संभव पर था वह सब कुछ करके देख लिया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। अतः आपकी क्या राय है? क्या हमें यहाँ और अधिक रहना चाहिए अथवा मद्रास में प्रचार के लिए चले जाना चाहिए? मेरी बात सुनकर श्री हयग्रीव प्रभु ने मुझसे कहा था, महाराज, हमने तो अभी तक कोई विशेष चेष्टा की ही नहीं है, इसलिए कृपा थोड़ा समय दीजिए, कुछ चेष्टा करके देखते हैं, बाद में विचार करेंगे। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज ने तब वहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव को कहा, आप सभी इससे ही अनुमान लगाइए कि श्रीपाद माधव महाराज की योग्यता किस प्रकार की है। जहाँ पर हमारी समस्त चेष्टाएँ समाप्त होती थी, वहीं उनकी चेष्टा प्रारंभ होती थी। बाद में उनकी अन्यतम चेष्टाओं के फलस्वरूप कुबेर में स्थान संग्रह किया गया तथा वहीं पर मठ बना। श्रीपाद माधव महाराज को श्रील प्रभुपाद वॉल्केनिक एनर्जी ज्वालामुखी ऊर्जा संपन्न कहते थे। श्री वासुदेव प्रभु उन्हें सर्व घटे अर्थात समस्त प्रकार के कार्यों को करने में सर्वश्रेष्ठ योग्यता रखने वाले कहते थे। इनके विषय में मेरा अपना कथन यह है कि श्रीपाद माधव महाराज की तुलना एकमात्र श्रीमन महाप्रभु के परिकर श्री वक्रेश्वर पंडित से ही हो सकती है, जो बिना किसी क्लांति के 72 घंटे तक निरंतर नृत्य कर सकते थे। उपरोक्त प्रसंग में गुरु महाराज की महिमा कीर्तन के अतिरिक्त एक शिक्षणीय विषय यह भी है कि यद्यपि श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज हमारे गुरु महाराज से मठवास की दृष्टि से एवं संन्यास आश्रम ग्रहण के विचार से ज्येष्ठ होने पर भी अपने कनिष्ठ सतीर्थ की महिमा को देखने एवं उसे वर्णन करने में कुंठित नहीं हुए। कारण ऐसे महापुरुष वैकुंठ अर्थात कुंठारहित स्थान के भी सर्वोपरि प्रकोष्ठ गोकुल के अनुरागी जनों के निर्मत्सर
अनुगामी होने के कारण जागतिक किसी भी सीमा में अबद्ध नहीं होते और इसलिए वे इस प्रकार की स्वाभाविक विनम्र और निष्कपट रूप से प्रशंसा करने में समर्थ होते हैं।